हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा जोशी फ्रॉम SKJAVM सुजानगढ़। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि 9th और 10th दोनों में ही बराबर चलता है। ये टॉपिक है अपना डायलॉग राइटिंग। ठीक है, डायलॉग राइटिंग जो ये टॉपिक होता है अपना 9th में, तो वैसे स्टोरी और डायलॉग अथवा में आते हैं और में आते हैं, 6 नंबर का ही अपना टॉपिक रहता है। ठीक है, 6 नंबर की ही स्टोरी आती है और 6 नंबर का ही अपना डायलॉग आता है। तो इन दोनों में जो भी आपको ईजी लगे वो आप अटेम्प्ट कीजिए। डायलॉग कुछ नया है इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। डायलॉग वैसे देखा जाए तो आपकी जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करते हो स्पोकन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ये बातचीत करनी आपको आनी चाहिए। अब डायलॉग का जो हम टॉपिक ले रहे हैं पहले, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि डायलॉग आखिर होते क्या हैं, क्योंकि कोई भी आप लोग टॉपिक स्टार्ट कर लो पहले उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस टॉपिक का उद्देश्य क्या है, ये टॉपिक हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये हमारे आगे क्या काम आएगा। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ डायलॉग। डायलॉग क्या होते हैं? तो डायलॉग का मतलब होता है संवाद। संवाद वो हो गए जो दो व्यक्तियों के मध्य परस्पर चलते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अपन दोनों के बीच में बात हो रही है, तो एक बातचीत मैं कंप्लीट करूँगी, दूसरी आप करोगे, मेरे जो आपको क्वेश्चन का रिप्लाई दोगे, तो वही एक तरीके से डायलॉग हो गया है इन शॉर्ट वे में। फिर भी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। तो व्हाट इज़ डायलॉग? तो डायलॉग इज़ टिपिकली ए कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपुल इन ए नरेटिव वर्क। डायलॉग क्या हो गया? संवाद। टिपिकली यानी कि विशिष्ट रूप से, विशिष्ट रूप से। कॉन्वर्सेशन का मतलब हो गया बातचीत या वार्तालाप। बिटवीन यानी मध्य, टू पीपुल इन ए नरेटिव वर्क। नरेटिव वर्क का मतलब हो गया कथानक। अब कथानक क्या होता है? कथानक ये होता है कि जो आप प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ टेलिंग, प्रोसेस और स्किल और ऑफ टेलिंग स्टोरी, यानी कि किसी भी कोई स्टोरी है उसको हम बताएंगे तो वो प्रोसेस क्या होती है, जो बताने वाला व्यक्ति होता है उसको नरेटर बोला जाता है। ठीक है, और नरेटिव वर्क क्या हो गया? जो कथानक, जो महत्वपूर्ण जो कहानी या फिर जो इवेंट हम बताएंगे किसी को या फिर डिस्कस करेंगे, वो हो गया नरेटिव वर्क। तो डायलॉग है वो विशेष रूप से दो लोगों के मध्य में एक जो बातचीत होती है उसका कथानक रूप हो गया, यानी कि कहानी है उसके बारे में दो लोग किस तरीके से बात करेंगे आपस में, वो होता है आपका डायलॉग। इन राइटिंग डायलॉग शोज ऑफ करेक्टर स्पीकिंग। लिखित रूप में जो डायलॉग होता है वो क्या करता है, एक जो करेक्टर होता है, एक जो विशेष रूप से जो चरित्र होता है उसके बारे में ये हमको बतलाता है, यानी उसी के बारे में हम बात करेंगे, एक चरित्र के बारे में। हम ऐसे तो बातचीत स्टार्ट करने से रहे, हमको कोई एक कंटेंट मिलना चाहिए या फिर हमको कोई एक ऐसा पर्सन या करेक्टर मिलना चाहिए जिसके बारे में हम बातचीत स्टार्ट कर सकें। तो क्या हो गया कि लिखित रूप में जो डायलॉग होता है, संवाद जो होता है, वो किसी चरित्र जो है उसके बारे में हमको बतलाता है। इट वर्क्स टू टेल यू मोर अबाउट द करेक्टर एंड हाउ दे कन्वर्स विथ अदर्स और रिएक्ट। ये क्या करता है कि हमको जो ये करेक्टर है, जो कि चरित्र है, उसके बारे में हमको बताता है, और ये भी बताता है कि किस तरीके से अदर व्यक्ति और उसके जो चरित्र के ऊपर या फिर उसकी बातचीत के ऊपर रिएक्शन देते हैं अपना, या फिर कैसे वो बातचीत को, प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हो गया डायलॉग। इन शॉर्ट वे में समझो तो आप इतना समझो कि दो लोगों के मध्य में जो बातचीत होगी वही आपका डायलॉग कहलाया जाएगा। अब एक चीज़ और, दो लोगों के मध्य ही ये बातचीत होनी चाहिए। अगर आप दो से ज़्यादा अधिक लोगों के मध्य ये बातचीत करते हो तो वो डायलॉग नहीं, वो एक ग्रुप डिस्कशन कहलाया जाएगा। डायलॉग के लिए खाली दो ही व्यक्ति होने कंपलसरी होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डायलॉग जो कि 6 मार्क्स का है। इसकी डेफिनेशन है, जनरल है, पता होनी चाहिए। अब देखते हैं हम डायलॉग लिखने को, यानी कि ये बोलने के लिए तो इजी रहता है, लेकिन हम जब एग्जाम की कॉपी के अंदर हम ये जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो किस तरीके से हमको स्टेप फॉलो करने इस चीज़ को लिखने के लिए, तो उसके थोड़े बहुत जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो आपको पहले बता देती हूँ एक बार कि मेन पॉइंट्स फॉर राइटिंग डायलॉग, यानी डायलॉग लिखने के लिए मुख्य जो आपके पॉइंट्स होने चाहिए वो, पहला क्या है आपका, सब्जेक्ट और कंडीशन। सब्जेक्ट यानी कि विषय और कंडीशन यानी कि स्थिति, यानी कि जिस भी आप जो डायलॉग लिख रहे हो उसका जो विषय क्या है, यानी कि उसका टॉपिक क्या है वो, और जो उसकी कंडीशन यानी कि उसकी स्थिति क्या है वो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। वो दोनों चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी चीज़ के बारे में आप डायलॉग लिख पाओगे या फिर डिस्कस कर पाओगे, यानी कि जो विषय और स्थिति है वो आपको पता होनी चाहिए किसी भी डायलॉग को लिखने के लिए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि ये चीजें पता होगी तभी आप बातचीत आगे बढ़ा पाओगे। सेकेंड होती है आपकी लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी कि भाषा। अब जो आप भाषा का यूज़ करोगे लैंग्वेज का डायलॉग लिखने के लिए या फिर बोलने के लिए, उसके अंदर आप इनफॉर्मल लैंग्वेज का ही यूज़ करोगे। इनफॉर्मल लैंग्वेज हो गई, ठीक है, क्योंकि बातचीत अपन ज़्यादातर इनफॉर्मल वेज में करते हैं, तो इनफॉर्मल लैंग्वेज हो गई इसके अंदर, ये हमको पता होना चाहिए, और ईजी लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। अगला है आपका थर्ड पॉइंट आपका सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग का मतलब एक ही होता है, उसका मतलब होता है अभिवादन से। अभिवादन इसलिए कि आप जब भी कोई डायलॉग किसी के साथ में स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप फ्रेंड के साथ बातचीत कर रहे हो या फिर अपने से बड़ों के साथ में बातचीत कर रहे हो या फिर किसी कंपनी में बात कर रहे हो, तो आपको उसके सामने वाले व्यक्ति के ना जो पद है उसका पता होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, बातचीत जब आप स्टार्ट करोगे डायलॉग थ्रू आउट, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाके उनको ग्रीटिंग देना है। जैसे कि फ्रेंड्स के साथ करो तो हेलो फ्रेंड्स, या फिर जो है सर या फिर मैम के साथ में तो गुड मॉर्निंग सर या फिर मैम, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ग्रीटिंग जो अपन सुबह सुबह विश करते हैं तो वो सारा कुछ आपको अभिवादन में कंपलसरी होता है और ये लिखना जरूरी है। अगला है पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क का मतलब वही हो गया, वो स्पेशल जो आपके जो सिंबल्स होते हैं, जैसे ये हो गया क्वेश्चन मार्क हो गया, डबल कोटेशन हो गया या सिंगल कोटेशन हो गया या फिर सेमी कॉलन हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो पंक्चुएशन मार्क्स है इसका आप किस तरीके से उस डायलॉग राइटिंग के अंदर यूज़ करते हो, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो डायलॉग के अंदर आप जो भी बात लिखते हो वो शॉर्ट वे के अंदर आनी चाहिए, यानी कि आपको बड़ी बड़ी जो लंबी छोटी बातचीत उसके अंदर नहीं लिखनी है, आपको छोटे छोटे सेंटेंस उसके अंदर बनाने हैं और छोटे सेंटेंस भी आपको प्रभावी बनाने हैं ताकि आपकी पूरी बात लोगों को समझ में आए। दूसरी चीज़ ये यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि डायलॉग के अंदर ज़्यादातर अपन कोई भी चीज़ बोलते हैं, जैसे कि इट इज़ बोल देते हैं या फिर दैट इज़ माइन या फिर यू डिड नॉट चीट हर, जो भी है आपके, तो ये आप जो वर्ड्स लिखते हो, ठीक है, इनको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना कंपलसरी होता है। जैसे इट इज हो गया तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, इट्स में लिखोगे। दैट इज हो गया तो इसको आप लिखोगे दैट्स। ठीक है, डिड नॉट को डिडंट, डू नॉट को डोंट और डज नॉट को डजंट और विल नॉट को वॉन्ट और आई हैव को, इस तरीके से आप लिखोगे। ये जो वर्ड्स आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इनकी शॉर्ट फॉर्म का आप यूज़ में करो, ये कंपलसरी होता है लिखना। वैसे आप बड़ा चढ़ा के इसको लिखते हो तो भी गलत नहीं होता है, लेकिन डायलॉग का रूल हमेशा यही कहता है कि हमको शॉर्ट फॉर्म्स ही इसमें अलाउ रहती है। जैसे कि आपकी कैन नॉट हो गया, उसको कांट में दो, जो भी मॉडल फॉर्म होती है उनकी भी आप शॉर्ट फॉर्म ही यहाँ पर लिखोगे। ये है आपका जो डायलॉग लिखने का तरीका। डायलॉग के अंदर जो मेन पॉइंट्स है वो ये है कि सब्जेक्ट और कंडीशन, सेकंड फिर आती है लैंग्वेज जो कि इनफॉर्मल होनी चाहिए, फिर सैल्यूटेशन एंड देन पंक्चुएशन मार्क, फिर बात आती है आपकी ये चीज़ की जो कि आपकी जो इनकी शॉर्ट फॉर्म्स का आपको यूज़ में लेना है, ये जो आप हेल्पिंग वर्ब्स आती है वो, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक डायलॉग लिख लेते हैं फिर बाद में उसको समझते हैं। तो एग्ज़ाम में हमारे जो क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सपोज यू आर प्रियांशु, मान लीजिए कि आप प्रियांशु हो, आफ्टर पासिंग सेकेंडरी एग्जामिनेशन यू वांट टू गेट एडमिशन इन ए सिटी स्कूल। क्या है कि आपने सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास कर ली है, टेंथ पास कर ली है और आप शहर के किसी विद्यालय में प्रवेश करना चाहते हो, सो यू वेंट टू द प्रिंसिपल फॉर एडमिशन, ठीक है, इसलिए आप प्रिंसिपल के पास में एडमिशन लेने के लिए गए हो। राइट ए डायलॉग बिटवीन यू एंड द प्रिंसिपल, आपको अपने और प्रिंसिपल के मध्य में एक डायलॉग लिखना है। आपको कई बार क्या होता है कि जो डायलॉग वाला क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपको बोलते हैं कि 5 डायलॉग लिखने हैं, कई बार बोल देते हैं पूरा डायलॉग लिखना है, तो अभी मैं आपको ये बताते वक्त ही बताऊंगी कि 5 डायलॉग किस तरीके से लिखते हैं और पूरा डायलॉग कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको प्रियांशु और प्रिंसिपल के मध्य में हमको डायलॉग लिखना है। यहाँ पर अपन को नाम दिया हुआ ही है, हमने आपको पहले बताया था डायलॉग लिखने के लिए आपको विषय और जो स्थिति है वो पता होनी चाहिए। विषय हमको पता है कि हमको डायलॉग लिखना है, किसके ऊपर लिखना है, एडमिशन लेना है, तो एडमिशन क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया मेन, जिस टॉपिक के ऊपर हमको ये लिखना है। और स्थिति क्या है कि आप प्रिंसिपल से उस समय टॉकिंग कर रहे हो, तो प्रिंसिपल और प्रियांशु के मध्य में जो बातचीत होगी वो दोनों ही समय और स्थिति हमको पता है, ठीक है। अब लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले क्या होगा कि प्रियांशु को एडमिशन चाहिए, तो पहला डायलॉग उसी का आएगा, जिसकी जरूरत होती है उसका डायलॉग पहले डिलीवर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी स्टार्टिंग ऐसे होगी, ये हो गया आपका आंसर, आपको कॉपी के अंदर इस तरीके से करना है,
एग्जाम की। तो यहाँ पर जो प्रियांशु है उसको एडमिशन चाहिए तो वो पहले जाएगा प्रिंसिपल के ऑफिस में, तो उसका पहला डायलॉग क्या होएगा, मे आई कम इन सर। तो मैंने आपको बताया था कि आपको पहले पोलाइटली उसके अंदर जाके बोलना है, ठीक है ना। तो पहला क्या है, वो परमिशन लेगा, मे आई कम इन सर, श्रीमान क्या मैं अंदर प्रवेश कर सकता हूँ, एंड देन उसको रिप्लाई ऑब्वियसली मिलेगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल का रिप्लाई क्या आएगा, यस हाँ यू मे, आप अंदर आ सकते हो, ठीक है। तो ये दो जो सेट हो गए, एक तो प्रियांशु का डिलीवर हुआ है डायलॉग और एक प्रिंसिपल का हुआ है, तो ये आपका फर्स्ट डायलॉग, एक डायलॉग काउंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, आपको ग्रीटिंग करना है। ग्रीटिंग क्या, अभिवादन, जो सैल्यूटेशन आप करते हो। तो यहाँ पर प्रियांशु है उसको अंदर ऑफिस में एंटर हो ही चुका है, तो वो क्या कहेगा, गुड मॉर्निंग सर। तो वो क्या कहेगा, सुप्रभात सर। तो इसके ऊपर रिप्लाई क्या आएगा प्रिंसिपल का, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी सुप्रभात। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी आपका सेकेंड डायलॉग हो गया ना। तो ये एक डायलॉग का सेट, ये दो डायलॉग का सेट, दो लोगों के मध्य में जो परस्पर रिप्लाईज आते हैं वो तुम्हारा एक सेट हो जाता है, ठीक है ना। ये दो डायलॉग यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड वन इज ग्रीटिंग, इन्होंने कर ही दिया है, हम स्टेप बाय स्टेप उसी के अकॉर्डिंग चल रहे जो मेन पॉइंट्स हमने फॉलो किए थे। और रही बात पंक्चुएशन मार्क्स की, तो वो भी हम यूज में ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज आ गया, जो कि करना कंपलसरी है, पता तो चले कि क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, कौन आंसर दे रहा है। यहाँ पर देखो यस हाँ बोलने के बाद में जो थोड़ा आपको स्ट्रेस वो क्या लेना है, थोड़ा बहुत गैप लेना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर कॉमा का यूज कर लिया है, फिर यहाँ पर वापस अगेन कॉमा आ गई है। यहाँ पर देखो आप तीसरा डायलॉग क्या आता है, सिचुएशन वहां पर चालू होगी, तो प्रियांशु क्या बोल रहा है, प्रियांशु को डायलॉग है, सर कैन आई गेट एडमिशन इन 11th आर्ट्स। प्रियांशु जो है वो प्रिंसिपल सर से पूछ रहा है कि श्रीमान या फिर सर क्या मुझे 11वीं आर्ट्स में 11th आर्ट्स में एडमिशन मिल सकता है, यानी कि वो कला वर्ग के अंदर एडमिशन चाहता है अपना। तो प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल का रिप्लाई है, व्हाट इज योर परसेंटेज इन 10th। ऑब्वियसली सी बात है कि हमारे जो प्रिंसिपल होंगे वो हमको 11th के अंदर कोई भी जो फैकल्टी होगी, जो भी हमारी साइंस आर्ट्स या कॉमर्स होती है, उसके अंदर हमको एडमिशन देने से पहले हमारे 10th के परसेंटेज पूछेंगे ही पूछेंगे कि कितने क्या परसेंटेज इनके आए हैं, क्या वो उस जो फैकल्टी के अंदर उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए वो सही है या नहीं है। अगर कुछ सही नहीं है तो वो हमको और कुछ ज़्यादा अच्छा सजेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये प्रियांशु जो है इसको 11th आर्ट्स में एडमिशन चाहिए, तो सर ऑब्वियसली इससे पूछेंगे प्रिंसिपल, व्हाट इज योर परसेंटेज इन 10th, कि आपके 10वीं क्लास में या फिर 10th क्लास में कितने परसेंटेज आए हैं। ये हो गया आपका तीसरा डायलॉग, ठीक है ना। फोर्थ वन इज कि प्रियांशु का रिप्लाई आएगा उनके सर के जो क्वेश्चन पे 70%, यानी कि उसके 70% उसके 10th क्लास में बने हैं। एंड देन प्रिंसिपल क्या रिप्लाई देते हैं कि प्रिंसिपल बोल रहे हैं यस यू कैन गेट एडमिशन, हाँ आपको एडमिशन मिल सकता, आपको प्रवेश मिल सकता है। ये हो गया आपका डायलॉग नंबर फोर्थ। कई बार होता है ना, ये कह देते हैं कि आपको चार डायलॉग लिखना है, तो चार डायलॉग में आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में। एंड देन फिर आता है प्रियांशु अगेन पूछता है कि विच ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर हियर। अब देखिए आपके जो आर्ट्स वाली जो फैकल्टी होती है उसके अंदर जो सब्जेक्ट की भरमार ही रहती है, ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा किस में होते हैं, आर्ट्स में ही होते हैं, कॉमर्स के अंदर लिमिटेड होते हैं और साइंस के अंदर जो भी है वो लिमिटेड रहते हैं सब्जेक्ट, लेकिन जो आर्ट्स है उसके अंदर क्या होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी जो स्कूल है उसके अंदर कौन कौन से वैकल्पिक सब्जेक्ट है। ऑप्शनल का मतलब होता है वैकल्पिक, वैकल्पिक यहाँ पर ये हो गया कि हम अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जो भी हमको सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है वो हम चूज कर सकते हैं। तो प्रियांशु पूछ रहा है कि विच ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर हियर, यहाँ पर कौन कौन से वैकल्पिक सब्जेक्ट हैं या फिर विषय हैं। प्रिंसिपल अब क्या बोल रहा है, रिप्लाई दे रहे हैं कि इंग्लिश लिटरेचर पॉलिटिकल एंड फिलोसफी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल का रिप्लाई है कि हमारी जो स्कूल है उसके अंदर जो आर्ट्स फैकल्टी है उसके अंदर इंग्लिश लिटरेचर यानी कि अंग्रेजी साहित्य, पॉलिटिकल यानी कि राजनीति विज्ञान एंड फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, ये तीन सब्जेक्ट हमारे वैकल्पिक तौर पर मौजूद है। और भी कोई सब्जेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर ले लो, जियोग्राफी ले लो या फिर हिस्ट्री ले लो, जितने भी सब्जेक्ट लो वो आप सारे इसमें यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। लेकिन हमको क्या करना है, डायलॉग के जो डायलॉग है उसके अंदर हमको जो जितने भी डायलॉग होंगे वो छोटे लैंग्वेज में हमको लिखने हैं, ये हमने पढ़ा ही था। तो यहाँ मन ये हो गया अपना डायलॉग नंबर 5th। ओके आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ पर जो है इन्होंने बता दिया है कि हमारी जो स्कूल के अंदर इंग्लिश लिटरेचर है, पॉलिटिकल एंड फिलोसफी है। एंड देन जो है प्रियांशु वापस क्या बोलता है कि प्लीज़ गिव मी एन एडमिशन फॉर्म, कृपया करके मुझे एडमिशन फॉर्म दीजिए या फिर प्रवेश का फॉर्म दीजिए। तो प्रिंसिपल क्या बोलेंगे, फिल इट अप एंड डिपॉजिट द फी,
वो क्या बोलेंगे कि उसको एडमिशन फॉर्म चाहिए तो उनको वो दे देंगे। उनके ऊपर उसका रिप्लाई क्या जाएगा उन सर का कि आप इस फॉर्म को फिल कीजिए, भरिए और अपनी जितनी भी जो फीस है उसको डिपॉजिट कर दीजिए या फिर जमा कर दीजिए। ओके, इजी लैंग्वेज में चल रहा है और बात हमको पॉइंट टू पॉइंट समझ में भी आ रही है। यहाँ भी नहीं है कि बात कहीं की कहीं जा रही है, ऐसा नहीं है। डायलॉग के अंदर हमको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है और छोटी छोटे जो है हमारे जो सेंटेंस है उनका यूज़ करना कंपल्सरी होता है। एंड देन हमको क्या करना है, जब डायलॉग की एंडिंग होती है तो थैंक यू मस्ट होता है बोलना। यहाँ पर प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि फिल इट अप एंड डिपॉजिट द फी, आप इस फॉर्म को फिल कीजिए और अपनी जितनी भी जो फीस है उसको जमा करवा दीजिए। एंड देन प्रियांशु बोलता है थैंक यू सर, धन्यवाद सर। प्रिंसिपल का भी सेम रिप्लाई आएगा, यू आर वेलकम। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका डायलॉग यहाँ पर कंप्लीट। सबसे इजी जो है टॉपिक आपका डायलॉग का ही टॉपिक है, स्टोरी और डायलॉग दोनों अथवा में आएंगे। 6 नंबर का आपका ये टॉपिक आने वाला है, तो यहाँ पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आपको कुछ इसमें टफ चीज़ नज़र आई होगी, ईजी है। आपका इसमें प्लस पॉइंट ये भी रह जाएगा कि अगर आप लोग इसको स्पोकन की दृष्टि से देखो तो आप क्या करते हो, अपने घर में अपने सिबलिंग्स के साथ में अपने पेरेंट्स के साथ में भी आप लोग जो है छोटे मोटे जो वर्ड्स लेके टूटे फूटे अगर बनाने की आप कोशिश करो सेंटेंस, तो आपका ये डायलॉग प्रिपेयर होगा। प्लस आपको क्या होगा, आपकी स्पोकन स्किल भी है वो भी सुधरेगी। ठीक है, तो ये था आपका डायलॉग वाला टॉपिक जो कि 9th और 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर का है आपको, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको कीजिए। जो भी आपको जो मैंने मेन पॉइंट्स बताए थे, कहाँ पर पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करना है, कहाँ पर आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म्स लगानी है, कैसे क्या कहाँ पर ग्रीटिंग करनी है, तो ये सारा कुछ आपको नॉलेज में रहना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये टॉपिक शायद आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, टिल देन थैंक यू।